नमस्कार, सीरियस भारत में आप सभी का स्वागत है। जब से उत्तर प्रदेश के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल बने हैं, तब से ही कौशल विकास विभाग रोज सफलता के नए आयाम प्रस्तुत करता नजर आ रहा है। नई नई नीतियों और योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की युवा शक्ति को उनकी क्षमता के मुताबिक रोजगार उपलब्ध कराना कौशल विकास मिशन की जिम्मेदारी बन चुका है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने लखनऊ के अलीगंज आईटीआई में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत इजराइल ड्राइव 3.0 के तहत श्रमिकों का उत्साहवर्धन किया। इस पहल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के कुशल श्रमिकों को इजराइल में रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे बेहतर मानदेय दिया जा रहा है और बड़ी संख्या में युवा वर्ग इस व्यवस्था से खुश है। आज भी इजराइल में रोजगार के लिए भेजे जाने वाले श्रमिकों का टेस्ट लिया जा रहा है था, जिसमें युवाओं का उत्साह से लबरेज देखा गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने सी न्यूज भारत पर बात करते हुए कहा कि हम युवाओं को तकनीकी रूप से मजबूत बना रहे हैं, जिससे युवाओं को आगे बढ़ने से कोई रोक न सके। कौशल विकास मिशन के तहत इजराइल जाने वाले तीसरे गुट की तैयारियां चल रही है, स्किल टेस्ट किए जा रहे हैं और कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, क्योंकि लगातार प्रयास चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में विकास को, कौशल विकास को और रोजगार को बेहतर करने के बारे में। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कुशल मार्गदर्शन, उनका परिश्रम और हमारे लोगों की प्रेरणा, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो लगातार युवाओं को स्किल्ड के सेक्टर में हमेशा उनकी प्रेरणा रहती है, और हमारे विभाग के अधिकारियों मिलकर के ये शानदार जो इजराइल भेजने की प्लानिंग है, इजराइल 3, उसमें लगभग 5,000 बच्चों को उनका प्रशिक्षण यहाँ चल रहा है, उनका टेस्ट यहाँ पर चल रहा है। इजराइल की पूरी टीम आई हुई है और नीरज पुरोहित यहाँ विधायक हैं इस क्षेत्र में, इनके क्षेत्र में आईटीआई है, और एक शानदार अपॉर्चुनिटी हमारे युवाओं के लिए है। तो ऐसे सब बच्चों को कॉल करके हमने उनका टेस्टिंग कराया, और टेस्टिंग करा के उन बच्चों को इजराइल जाने का मौका मिलेगा। उनको लैंग्वेज हम सिखा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग टेस्ट यहाँ पर हो रहा है, ट्रेनिंग यहाँ पर हो रही है साथ साथ, और उनको इजराइल भेजेंगे तो लगभग 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक की सैलरी उनको वहाँ मिलेगी, और उनको बाहर जाना, फिर वहाँ से जब लौट करके 4 साल में 6 साल में कभी वापस आएंगे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, और एक एंटरप्रेन्योर बनकर के वहाँ से लौटेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री का जो संकल्प है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत के अंदर हमको खड़ी करनी है, उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो उत्तर प्रदेश का पार्ट मुख्यमंत्री ने तय किया है, तो युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है, और हमारा विभाग इन युवाओं को स्किल्ड करके आगे भेजने का। फीडबैक कैसे मिल रहा है इजराइल में? बहुत अच्छा है, जो हमको जानकारी मिली है, बातचीत होती रहती है, परिवार के लोगों से मिलते रहते हैं, बहुत शानदार उनका रिस्पॉन्स है, और ये इस बात का प्रमाण भी है, रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं होता तो अन्य बच्चे नहीं आते, तो यह प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई घटना अगर कभी निगेटिव होती है तो उसकी दूर दूर तक गूंज होती है। तो सब लोग प्रसन्न हैं, सबको अच्छे रोज़गार मिला है, इसराइल की पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है, उनका धन्यवाद करता हूँ कि सब लोग स्वयं आकर के हस्तक्षण करने का काम कर रहे हैं। इसमें सिविल वर्क का काम वहाँ पर मुख्यता है, तो आपको ये लगता है कि अब सिविल वर्क को लेकर भी यहाँ पर बेहतर तरीके से और ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए, जिससे कि जो इसराइल वाले लोग हैं जो उनका एक पूरा बैकअप हमारे पास तैयार रहे और समय समय पर भेजते रहे, उनका टेस्ट कराने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, इतना हमारे पास बैकअप रहे। टेस्टिंग तो होती है, चूँकि हर व्यक्ति जब एग्जाम लेता है, जो लोग बीटेक और आईआईटी कर लिए उनका भी टेस्ट होता है, तो टेस्ट करना खराब बात नहीं है, तो जो एम्प्लॉयर है वो तो टेस्ट कराएगा ही, पर हमारे विभाग में भी ये लगातार ट्रेनिंग का काम चलता है, जो निजी सेक्टर में लोग काम करते हैं उनको भी हम रखते हैं इसके अंदर, सबके लिए खुलापन है। दो मुख्य सवाल और, आपने कहा जिनका जो लोग वहाँ गए उनके परिवार की जिम्मेदारी आप स्वयं उठा रहे हैं मुखिया के रूप में? नहीं, जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, पर बातचीत उनसे हम करते रहे, उनको ये ना लगे हमारे बच्चे बाहर गए तो हमारे को देखने वाला नहीं है, तो सरकार होने के नाते हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी वैसे भी है कि उनके परिवार को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, कोई व्यक्ति घर से गया 1 साल के लिए 2 साल के लिए बाहर गया तो उनकी यहाँ की देखभाल, यहाँ की सरकार, यहाँ के DM उस बात की चिंता करते रहे, मतलब कोई महिला है उसके परिवार में कोई दुर्घटना हो जाए, घटना हो जाए, किसी महिला को डिलीवरी होनी है, यानी परिवार का संरक्षण, ये भी जिम्मेदारी हमारी है, जो हमारी परिवार के बच्चे यहाँ से गए हैं तो उनकी देखभाल हम करते हैं। ये आईटीआई खुलने जा रहे हैं, उसका भी काम चल रहा है, विधायक जी का बहुत शानदार प्रयास है, नीरज बोरा जी विधायक के रूप में लगातार कोशिश करते रहते हैं कि उनके क्षेत्र में एक आईटीआई और बने, उसी का प्रयास है, बहुत जल्दी उसकी स्वीकृति हो जाएगी, ऐसा हमारा प्रयास है और लगातार काम कर रहा है। थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल, का कहना है कि सरकार इजराइल जाने वाले बच्चों के लिए बड़ी प्रयासरत है और लगातार यहाँ पर तीसरा गुट जा रहा है, जिनका स्किल टेस्ट चल रहा है
और इसके टेट के माध्यम से यहाँ पर लोगों को जनरेट किया जाएगा, उसके वहाँ पर भेजा जाएगा। वहाँ का फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है। सरकार लगातार कौशल विकास कर तमाम तरह के बड़े बड़े कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को संगठित भी कर रही है, बच्चों को पढ़ा भी रही है, सिखा भी रही है और कुल मिलाकर उनको योग बना रही है कि यहाँ पर रोजगार दें और रोजगार लेने वाले भी बने और देने वाले भी बने। विभाग ने कार्यक्रम बनाया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और निश्चित रूप से उन सभी श्रमिकों को भी शुभकामनाएं देता हूं जो यहां से इसराइल जाने वाले हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के रूप में हमारे स्टेट में बड़ी अपॉर्चुनिटी है और यहां की दिहाड़ी श्रमिकों का जो पारिश्रमिक है उसकी तुलना में इसराइल में उन्हें कहीं ज़्यादा वेतन की प्राप्ति होगी। उनकी GDP भी बढ़ेगी, हमारे नेशन की भी GDP बढ़ेगी, हमारा स्टेट भी ग्रो करेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। और जो सबसे बढ़िया बात है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के प्रयासों से उत्तर प्रदेश सरकार जो अंजाम दे रही है कि वो यहाँ के लेबर्स को स्किल ट्रेन करके, थोड़ा सा बेटर ट्रेन करके विभाग के द्वारा भेजने का काम कर रही है। इससे उन लोग को और अच्छे पैसे मिलेंगे और अच्छा वेतन मिलेगा और वो बेटर समझ सकेंगे, क्योंकि भाषा भी एक बहुत बड़ा माध्यम होता है संवाद का। भाषा की जानकारी हो जाए तो परिणाम भी अच्छे आते हैं। मुझे लगता है कि सरकार का प्रयास सफल है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसमें और सफलताएं हासिल होंगी। विधानसभा में ITI और आगे जाके आपके विधानसभा में और कुछ होने वाला है? एक नया ITI और सैंक्शन कर दिया है सरकार ने, डालीगंज में वहाँ भी बनेगा। मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र के नौजवानों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और मेरा यह प्रयास भी है कि मेरे क्षेत्र में कोई भी बेरोजगार ना हो। आज ITI अलीगंज के कैंपस में एक टेस्टिंग सेंटर बनाया गया है। एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट है बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड इजरायली गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट के साइड से NSDC को इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नामित किया गया है। सिमिलरली इजरायल गवर्नमेंट के साइड से PIBA उनकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। तो आज यहाँ इसराइल से प्रतिनिधि आए हुए हैं और ये 3 दिसंबर तक यहाँ रहेंगे और डेली यहाँ पर टेस्टिंग होगी। 4 जो मेन एरियाज़ हैं वो सिरामिक टाइलिंग है, प्लास्टरिंग है, बार बेंडिंग है एंड फॉर्म वर्क है। तो इन चारों फील्ड्स में कैंडिडेट्स आ रहे हैं। हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपद से ये कैंडिडेट आए हैं और इनकी ज़िलों में एक प्री स्क्रीनिंग कराई गई है, उसके बाद इनका RPL का ट्रेनिंग कराया गया है और उसके बाद आज ये यहाँ पर टेस्ट देंगे और जो इसराइल से SSR आए हैं वो इनका सिलेक्शन करेंगे। ये सवाल रहेगा आपकी, आपको लगता है कि इसराइल तो वहाँ से डिमांड आ रही है, वहाँ पर लोगों को भेज रहे हैं, पर ऐसे अन्य देशों में जरूरत रहती है वहाँ पर भी कोलैबोरेशन किया जाए, शुरुआत की जाए जिससे कि ज़्यादा से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले? बिल्कुल सही बात है और अभी हमारे पास बहुत सारे देशों से वैकेंसी की डिमांड आ रही है। फॉर एग्जांपल जर्मनी से डिमांड है हमारे पास, पोलैंड से है, क्रोएशिया से है। तो मुझे ये बताते हुए गर्व महसूस होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने UP रोज़गार मिशन सोसाइटी के गठन के लिए प्रथम वर्ष में 50 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है और इस सोसाइटी के माध्यम से हम ये सारे इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स को कैप्चर करेंगे और इनको केटर करेंगे। लखनऊ से हमारी सहयोगी गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए C News भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।